आप मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में पहली रेसिपी जो हमारी थी वो थी नमकीन चिकन या नमकीन गोश्त। आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी बना सकते हैं। रिकैप कर देती हूँ आपको, मैंने क्या किया था। 1 किलो मुर्गी ली थी, उसके आपकी मर्ज़ी है, आप 8 टुकड़े करा लें, 12 करा लें, 16 करा लें, आपकी चॉइस है। उसको हमने मैरिनेट किया है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, वाइट पेपर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, दही 2 टेबलस्पून और लेमन जूस 4 टेबलस्पून। सबको साथ में वाइट पेपर भी गया, ब्लैक पेपर भी गया, सारी चीज़ों को साथ मैरिनेट करें कुछ देर या कुछ घंटे, लाजमी छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद में आप ओवन को प्रीहीट कर लीजिए 190 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उसमें आपने डाल के ट्रे में और आपने बेक कर लिया, ग्रिल कर लिया। कम से कम आप समझ लें लगता है इसको 30 मिनट, ठीक है, 25 से 30 मिनट में बेहतरीन गल जाएगी। सीखों पे चढ़ा के आप इस पे। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय चिकन प्रोडक्ट्स की फराहमी को यकीनी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आज का सवाल ये है, आपको बताना है, ये तीन नाम मैं आपको बता रही हूँ, इन तीनों में से किस चीज़ का गोश्त सब में जल्दी गल जाता है। तीन ऑप्शंस दिए जा रहे हैं आपको, उसमें से आपको बताना है किस चीज़ का गोश्त सब में जल्दी गलता है, चिकन, मटन या बीफ, ठीक है। सबको पता है माशाल्लाह, सबके घर में खाना आप लोग खुद पकाते हो, अंदाज़ा होता है आपको, लेकिन आपको ये बता दें कि इसका सही जवाब देने पे आपको मिलेगा हसन शहरयार यासीन की तरफ से एक ज़बरदस्त सा लॉन का आउटफिट। सब जानते हैं हसन शहरयार को, कौन नहीं जानता है, और ही इज़ अ डिज़ाइनर, और इस साल इन्होंने अमेजिंग लॉन का एग्ज़िबिशन किया है। आज लास्ट डे है कराची में, द पाम पे उनका एग्ज़िबिशन हो रहा है, और अगर आप नहीं जा सके एग्ज़िबिशन में तो बिल्कुल परेशानी हुई है, इनका बहुत स्टॉक है जो आपको डिफरेंट पॉपुलर आउटलेट्स ऑफ कराची पे मिलेगा। अब आप चलिए और चल के उनके प्रिंट्स का ब्यूटिफुल सा पैकेज देखिए। आप लोगों के लिए हसन शहरयार की तरफ से ज़बरदस्त सा जोड़ा है, लेकिन वो आप हासिल कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा SMS करके, और इसका वही तरीका है कि सवाल का जवाब देंगे और आप SMS करेंगे, ये आपको जोड़ा आप विन कर सकते हैं सिर्फ SMS के ज़रिए, ये टेलीफोन पे या फेसबुक पे नहीं मिल सकता है आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा SMS करें और विन करें ये खूबसूरत सलना उनका आउटफिट, ठीक है जी। चले आ जाते हैं अपनी रेसिपी पे। सेकंड रेसिपी जो हमारी बन रही है वो है वो हम बना रहे हैं रोस्ट चिली चिकन, ठीक है। रोस्ट चिली चिकन को भी हमको मैरिनेट करना है। रोस्ट चिली चिकन के लिए हमने लिया है 1 किलो चिकन मीट। मीट से मेरा मतलब है गोश्त मुर्गी का 1 किलो, और इसमें बेहतर है, प्रेफरेबल है कि 16 पीसेस करा लें, ठीक है। छोटे पीसेस इसमें बेटर होते हैं, 16 पीसेस कराएं। और इसको भी हम मैरिनेट करेंगे, पहले चंद चीज़ों से मैरिनेट होगा फिर इसकी हम कुकिंग करेंगे। इसको हमें मैरिनेट करना है, सब में पहले अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, ठीक है। 1 टेबलस्पून हमने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, और हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, दैट्स विनेगर, और 2 टेबलस्पून सोया सॉस। सिरका 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, ठीक है जी। नमक 1/2 टीस्पून लेवल्ड,
ब्लैक पेपर पाउडर 3/4 टीस्पून, 3/4। क्या क्या चला गया मैरिनेशन में? रोस्ट चिली चिकन के लिए चिकन का मीट लिया 1 किलो, प्रेफरेबल 16 पीसेस करवा लीजिए, और इसको हम मैरिनेट करेंगे। नमक 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 3/4 टीस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, विनेगर सफ़ेद सिरका 1 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। ये सारी चीज़ें आपने इस पे लगाई और कुछ देर के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ज़्यादा देर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स हम आपको बता देते हैं। इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स में जाएगा चिली सॉस, ठीक है, उसके बाद में इसमें जाएगा केचप, क्रश्ड गार्लिक, कुटावा लहसुन, शिमला मिर्च 1 बड़ी कटी हुई, नहीं है शिमला मिर्च बड़ी तो आप 2 मीडियम ले सकते हैं, हरी मिर्चें मोटी वाली लंबाई में काट के बीच से, और 1 प्याज, इसको आपने काटना है पहले राउंड रिंग्स में और फिर उस रिंग्स को बीच से आधा कर दीजिए। ये देखें, आप समझ जाएंगे इस तरह। ये प्याज हमने ली, ठीक है, ये इस तरह हमने गोल रिंग्स में काट लिया और बीच से फिर हमने इसको आधा कर दिया, ठीक है। ये सब बाद की चीज़ें हैं, मैरिनेट हो चुकी है ये, अब हम जा रहे हैं इसकी कुकिंग करने। हाफ कप ऑयल, ठीक है, ऑयल मैं डाल चुकी हूँ इसमें वॉक में। आधा कप ऑयल में मैं ये मैरिनेट की हुई चिकन डालूंगी। मैरिनेशन किस किस चीज़ से किया है मैंने? 1 किलो चिकन ली थी, 16 पीसेस करा दिए इसके, और 16 पीसेस चिकन को अच्छी तरह से वॉश करके उसको मैंने मैरिनेट किया है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून नमक, 3/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 2 टेबलस्पून सोया सॉस एंड 1 टेबलस्पून ऑफ वाइट विनेगर, ठीक है। वाइट विनेगर नहीं है, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए विद लेमन जूस, ठीक है। और ये सारी चिकन जो हमने मैरिनेट की है अच्छी तरह से आप तेल में डाल के इसको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह। चार मिनट तक अच्छी तरह इसको फ्राई कर लें, मींस रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट चिली चिकन है ना, तो अच्छी तरह से इसको मैं इसी तेल में, आधा कप तेल में मैरिनेटेड चिकन डाल के और मैं उसको रोस्ट कर रही हूँ, मतलब आई एम फ्राइंग इट फॉर अबाउट 5 to 7 मिनट्स, ताकि चिकन प्यारी सी खूबसूरत सी कलर आ जाए, लाइट गोल्डन। जब हमारी चिकन पे लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा, मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप पानी और इसको गलने के लिए कवर करके छोड़ दें, ठीक है। और फिर बाकी की जो चीज़ें हैं वो फिर मैं आपको बताती हूँ। और जो आज की हमारी तीसरी रेसिपी है वो है तवा मटन। बिल्कुल नहीं घबराइए, बिकॉज वो जो गोश्त है तवा मटन का वो बॉयल्ड है पहले से। ये आसानी आप लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा है। जब घर में आपका दिल चाह रहा है बनाने का, जिस दिन फारिग हैं गोश्त बॉईल करके, जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी, उसके साथ गोश्त बॉईल करें, डब्बे में डाल दीजिए, बॉईल्ड मीट लेबल कर दें तवा मटन का, मटन और रख दीजिए। ख़ासकर जो लेडीज़ बाहर काम करती हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्ती चीज़ है, ठीक है। मैं आपको व्हाइल आई एम डूइंग इट आई विल लेट यू नो। आज का सवाल ये है, आपको बताना है कि 3 चीज़ों का ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है इसमें से कौन सी चीज़ का गोश्त बहुत ज़्यादा तेज़ी से जल्दी गल जाता है। ऑप्शन है मटन, चिकन या बीफ, ठीक है जी। ज़्यादा से ज़्यादा SMS करने वाले को क्या मिलेगा? ज़बरदस्त सा हसन शहरयार की तरफ से लॉन का आउटफिट, और प्लस टेलीफोन करने वालों को, SMS करने वालों को हमारा एयरटेल का इशू मसाला पूर्णा जी का, ठीक है जी।
देखिए कितनी अच्छी बाज पीसीस, कितने अच्छे रोस्ट हो गए। आजकल का दौर अब वो नहीं रहा है कि आप सारा सारा वक्त किचन में घुसे रहे। नेचुरली लाइफ हैज़ बिकम सो बिजी कि ऐसी झटपट सी चीज़ें आपके पास हो तो आप फटाफट आप किचन में गए और आपने आधे घंटे में सामान निकाला और आपने पका लिया और पारे, ठीक है ना। जब आपका छुट्टी वाला दिन होता है, वर्किंग लेडीज़ को कह रही हूँ, सैटरडे संडे जब आपका ऑफ होता है, आप ऐसे काम करके रख लीजिए, गोश्त बॉइल कर लिया, पैकेज बनाए रख लिया, शाम में आप काम पे से घर पे आते हैं, गोश्त आपके पास बॉइल्ड है, आप किचन में गए और मैक्सिमम 20 मिनट में आपका खाना तैयार है। देखें कितनी ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है ना। रेसिपी कार्ड में आपको दो जगह तेल नज़र आ रहा है, एक जगह आधा कप है जिसमें मैंने चिकन रोस्ट की है और एक जगह दो टेबलस्पून ऑयल है। उस दो टेबलस्पून ऑयल में मैं फ्राई करूँगी शिमला मिर्च और प्याज को, जो हमारे पास यहाँ रखी हुई है शिमला मिर्च और प्याज, इसको हम फ्राई करेंगे, आप समझ लें मैक्सिमम 2 मिनट्स के लिए, जस्ट टू गिव इट अ ब्यूटिफुल कलर, शाइन आ जाए, ग्लेज आ जाए, बस फिर हम उसको भी निकाल देंगे। ठीक है जी, इसमें हम डाल रहे हैं पानी। अबाउट 1 कप पानी डालेंगे और इसको हम कवर कर देंगे ताकि ये आराम से गल जाए। ठीक है, इसके साथ आज का सवाल आपको एक दफा फिर दोहराते हैं। आज का सवाल है कि इन 3 ऑप्शंस में से कौन सी चीज़ का गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है या जल्दी गल जाता है। ऑप्शन है मटन, बीफ या चिकन। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा SMS करें और विन करें हसन शहरयार की तरफ से, जो लॉन का आउटफिट आप लोगों के लिए भेजा गया है। प्लस यू कैन विन आर लेटेस्ट इशू ऑफ मसाला फूड मैगजीन। इसके साथ हो चुका है ब्रेक का वक्त, आपसे मिलते हैं कुछ छोटी सी ब्रेक के बाद, तो आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स, वी विल बी राइट बैक। चिकन नमकीन अज्जा, चिकन 8 टुकड़े 1 किलो, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, दही 2 खाने के चम्मच, लीमू का रस 4 खाने के चम्मच, नमक 1.5 चाय का चम्मच। तरकीब, 1 किलो चिकन को 1.5 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच काली मिर्च, 4 खाने के चम्मच लीमू का रस, 2 खाने के चम्मच दही और 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट से मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए रख दें। अब इन्हें स्क्यूर्स पर लगाकर बारबेक्यू या बेक कर लें, आखिर में चाट मसाला छिड़क कर सर्व करें। मसाला मॉर्निंग्स में सिखाई जाने वाली रेसिपीज आप मोबाइल फोन पर भी हासिल कर सकते हैं। MML 638 लिखकर 486 पर SMS करें और हासिल करें आज की रेसिपी चिकन नमकीन अपने मोबाइल पर।